कहते हैं आज आलिया और रणबीर जन्म के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी का शुभ मुहूर्त जो है 2 से 3 बजे का है, तो क्या है शादी की तैयारियां और कैसे सजा है शादी का मंडप, आपको दिखाएंगे। आज खुशहाली और समृद्धि का त्यौहार बैसाखी भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो पंजाब से लेकर राज्य इस वक्त किस तरीके से बैसाखी के रंग में रंगे हुए हैं, थोड़ी देर में आपके सामने इसकी तस्वीरें होंगी। देखिए शुभ समाचारों में आपको बाबा बर्फानी की पहली झलक आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताएंगे कैसे बाबा बर्फानी का दिव्य रूप ले रहा है आकार और इस बार कैसी अमरनाथ के धाम में दर्शन की तैयारी, इस पर भी बात। आज देश को प्रधानमंत्री संग्रहालय मिलने जा रहा है, जहां पर देश के 14 प्रधानमंत्रियों की गौरव गाथा को संजोया गया है। कैसा है लोकतंत्र के तीर्थ का फर्स्ट लुक बताएंगे आपको। साथ ही साथ देखिए बुलेटिन में बात बुलेट ट्रेन की भी हम करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआती झलक अब जमीन पर दिखने लगी है, रफ्तार से और कितनी दूर है देश की पहली बुलेट ट्रेन, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का शुभ सिलसिला। तो आइए करते हैं शुरुआत, जिस मुहूर्त का इंतजार था वो आ गया है। अब से कुछ घंटों बाद आलिया और रणबीर एक दूसरे के हो जाएंगे। हल्दी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और इसके बाद आज वास्तु अपार्टमेंट में आलिया रणबीर परिवार और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में साथ फेरे लेने वाले हैं। शादी के लिए दोनों परिवारों के लोग भी पहुँच गए हैं। चूड़ा पगड़ी की रस्म के बाद शादी के मुहूर्त पर आलिया रणबीर साथ फेरे लेने वाले हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 से 3 बजे के बीच में शादी का शुभ मुहूर्त निकला है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और तमाम तस्वीरों के जरिए समझिए क्या रंग है, क्या रोशनी से इस वक्त नहरा है ये पूरा दोनों परिवार। और इस बीच देखिए बिग बी ने ब्रह्मास्त्र के गाने को ट्विटर पर ट्वीट करके आलिया और रणबीर को बधाई दी अपने ही अंदाज में। साथ ही ये तस्वीरें आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि कितना कलरफुल इस वक्त माहौल है मुंबई के गलियारों में। घोड़ा भी तैयार है और आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब रणबीर अग्नि को साक्षी मानकर आलिया को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। रणबीर आलिया की शादी की रस्म 11 बजे शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक शादी का शुभ मुहूर्त दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच का है। कहते हैं कि कुछ लम्हे बेहद खास होते हैं, इतने खास कि वो जिंदगी भर की खुशी होते हैं। नीतू कपूर का चेहरा बता रहा है कि ये लम्हा उनके जिंदगी के उन चंद लम्हों में से एक है और जब बहू आलिया जैसी हो तो फिर क्या कहना। रणबीर और आलिया को शादी से पहले फैंस का प्यार मिलने लगा है। दोनों के फैंस इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड और उत्साहित हैं। आलम यह है कि एक फैन ने तो गोल्ड प्लेटेड गुलदस्ता ही रणबीर आलिया को शादी के मौके पर गिफ्ट कर दिया। ये तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इससे समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त क्या माहौल है वहाँ, कितने रंग बिखरे पड़े हैं। कल तक जिस तारीख पर सस्पेंस था शाम होते होते शादी की वो तारीख जो है सामने आ गई और आज आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक शादी का मुहूर्त है। दोनों परिवार शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। नीतू कपूर ने रणबीर और आलिया की मेहंदी सेरेमनी के बाद दोनों का एक क्यूट वीडियो भी शेयर किया। हम आपको बताते हैं ये वीडियो ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन का है। वीडियो में आलिया भट्ट रणबीर को कुछ देती हुए नजर आ रही हैं, जिस पर वो अपनी जेब में रख लेती हैं। ये बहुत क्यूट सा वीडियो है, वायरल हो रहा है। वीडियो के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी रणबीर कपूर और आलिया को बधाई दी। शादी के मौके पर वैसे तो लोग अलग अलग तरह के गिफ्ट देते हैं, फूलों से बने गुलदस्ते भी दिए जाते हैं, लेकिन जब बात आलिया और रणबीर की शादी की हो तो जाहिर है गिफ्ट भी खास होगा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी होने जा रही है, ऐसे में सूरत के ज्वेलर्स परिवार ने उन्हें गिफ्ट किया है और गिफ्ट का जो गुलदस्ता है जो आप देखेंगे इसी प्रकार का है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा दे रहे हैं, ये वो नहीं लेकिन इन्हीं गुलाबों में से उस गुलदस्ते को बनाया गया।
इन दिनों हर तरफ सिर्फ आलिया और रणबीर की शादी की ही चर्चा है। दोनों के फैंस को भी लंबे वक्त से इस शादी का इंतजार था। ऐसे में वो शुभ घड़ी आई तो फैंस का प्यार भी कुछ इस तरह मिला। रणबीर और आलिया के बहुत बड़े फैन हैं, इसके लिए हमने उनके शादी के लिए उनके लिए गोल्डन रोजेस बुके का गिफ्ट करने का सोचा। रियल रोजेस सब गिफ्ट करते हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसके लिए हमने सोचा कि हम 100% रियल गोल्ड फॉल रोजेस यूज़ करें। इसमें 125 रोजेस था, 5 to 6 डेज हमें प्रिपेरेशन में लगा और हमने ये 5 feet टॉल बुके बनाया और ये हमने उनको गिफ्ट किया, जो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये वही सोने से बना गुलदस्ता है जो सूरत के एक ज्वेलर ने आलिया रणबीर को गिफ्ट किया है। 5 feet लंबा गोल्डन फ्लावर से बना ये गुलदस्ता रणबीर आलिया के घर पहुंच चुका है और इसमें 150 गोल्ड प्लेटेड फूलों का इस्तेमाल किया गया है। यूनिक चीज बनाई हुई तो हमने सोचा क्या करें, तो एक 5 feet लंबा टोल हमने पूरा बुके बनाया जिसमें मोर देन 125 रोजेज हमने यूज़ किए हुए, जो 24 कैरेट गोल्ड फॉइल में से जो बनते हैं वो वाले रोजेज में से है और वो हमने बनाया हुआ। एक तरफ आलिया और रणवीर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं तो दूसरी तरफ दोनों के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब आलिया रणवीर की दुल्हनिया बन सबके सामने आएंगी। संजय सिंह राठौर, सूरत, गुड न्यूज टुडे। तो भाई शादी की डेट बिल्कुल सामने आ चुकी है, सारा सस्पेंस खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी आप फर्स्ट लुक को लेकर तो थोड़ा सा एक्साइटेड होंगे, देखना चाहते होंगे कि शादी को लेकर तैयारियां क्या है। इसलिए सीधे लिए चलते हैं आपको वास्तु रणबीर के घर के बाहर। मेरी सहयोगी अनीता इस वक्त मौजूद है। अनीता, जो समय है, जो मुहूर्त है, वो भी सामने आ चुका है, यानी कि अब हम ये मान के चलें कि कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद आलिया और रणबीर एक दूसरे के हमेशा के लिए होने वाले। बिल्कुल, जस्ट कुछ ही घंटों की बात है। ऐसा कहा गया है कि 2 और 3 बजे के की मुहूर्त के टाइम इन दोनों ये दोनों साथ फेरे लेंगे। एक्साइटमेंट बहुत है यहाँ पर, आप देख सकते हो। डेकोरेशंस तो उन्होंने और डबल कर दी है, लास्ट टाइम से तो और डबल हो चुकी है डेकोरेशंस, और सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। आज स्पेशल डे है, आज सबसे बड़ा दिन है रणबीर और आलिया के लिए। उनके फैमिलीज आ चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि सुबह अभी थोड़ी देर में उनका चूड़ा सेरेमनी होगा, हल्दी सेरेमनी होने के भी चांसेस है आज। कल मेहंदी थी और हमने देखा कि आलिया भट्ट की पूरी फैमिली, शाहीन, सोनी राजदान, महेश भट्ट, पूजा भट्ट सब आए थे, और कपूर खानदान में से भी करीना, करिश्मा सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। करण जौहर, अयान मुखर्जी, जो रणबीर और करीना, रणबीर और आलिया के बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। करण जौहर तो आलिया को अपनी बेटी मानते हैं, वो भी आए थे एक येलो कुर्ता पहन के। तो बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ पर। कल फैंस के भी मौजूदगी बहुत थी, वो भी एक्साइटेड है रणबीर आलिया को पहली बार वो शादीशुदा मिस्टर एंड मिसेस के रूप में देखने के लिए। अगेन, सिर्फ कुछ ही घंटों की बात है कि फाइनली 5 साल बाद ये दोनों कपल एक दूसरे को आई डू बोलेंगे। अनीता, ये देखिए कि आज अमिताभ बच्चन ने भी अपने ही अंदाज में उनको विश किया है, बिग बी ने ब्रह्मास्त्र का एक वीडियो डालकर, तो मेहमानों की लिस्ट कुछ उजागर हुई है कि कौन कौन मेहमान इस बार शामिल होने वाले हैं, क्या कोई पॉलिटिकल हस्तियां भी शामिल होंगी इसमें या सिर्फ फिल्म जगत से लोग शामिल होंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी इंडस्ट्री आने की चांसेस है, शादी के लिए नहीं बट रिसेप्शन के लिए तो कंफर्म्ड है कि बहुत सारे इंडस्ट्री फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया है। हम सबको पता है कि रणबीर और आलिया इट्स अ कपूर लेगेसी और सब एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं, और अगर बच्चन जी की बात करें तो उन्होंने तो कुछ वेडिंग्स तो अटेंड भी की हैं कपूर खानदान के, तो उनके तो चांसेस है आने के, शाहरुख के आने के चांसेस है,
संजय लीला बंसाली जो आलिया को गंगूबाई काठियावाड़ी में डायरेक्ट किया था, उनकी भी हाई चांसेस है आने के. सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग बिग अफेयर, वेडिंग अफेयर कहा जाए तो. रिसेप्शन के बहुत ग्रैंड होने के चांसेस हैं यहाँ पर. और ऐसा कहा जा रहा है कि रिसेप्शन भी जो पहले ताज में होने वाला था अब कैंसिल करके वास्तु में करने वाले हैं. ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी है और सबको एक ईजी चांस मिलेगा यहाँ पर ये घर में आके उनको स्पेशली बधाई देने का. ऑन दे आर वेरी स्पेशल डे. कल हमने देखा बहुत सारे जनों ने, करण जौहर ने बिफोर मेहंदी सेरेमनी आने से पहले ही उनको विशेस दे दिया था ऑन इंस्टाग्राम. ऐसे ही बच्चन साहब ने भी दिया था और बहुत से इंडस्ट्री फ्रेंड्स ने ऑलरेडी उनको विशेस सेंड कर चुके हैं थ्रू सोशल मीडिया. वैभव, अनिता आप लगातार वहां मौजूद हैं, आज सुबह से क्या हालचाल देख रही हैं आप? आज तो तैयारियां और जोर पर चल रही होंगी, मतलब लगातार आप कुछ आवाजाही देख रही होंगी और तैयारियों में और इजाफा देख रही होंगी आप. एब्सोल्युटली, पहले तो कपूर खानदान ऑलरेडी आ चुके हैं. ये बताना चाहती हूँ कि नीतू कपूर, रिधिमा ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं. सोनी राजदान और शाहीन भी अंदर जा चुके हैं. आप देखिए कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पर. एक्चुअली डबल की गई है कल से ही, क्योंकि और इट इज़ ऑल्सो बिकॉज फैंस आ रहे हैं यहाँ पर और मीडिया वाले हैं यहाँ पर, इस वजह से सिक्योरिटी एकदम टाइट की गई है. आप देख सकते हो उनके सबके हाथ में एक बैंड है, तो विदाउट दिस बैंड कोई एंट्री नहीं कर सकता. ये गेट है, इसके आगे हम कोई नहीं जा सकता. सेलिब्रिटीज़ जो आ रहे हैं वो गेट के अंदर जाके पीछे की तरफ, बिल्डिंग के पीछे की तरफ उतर रहे हैं, सो दैट किसी को भी कोई भी लुक नज़र नहीं आए. पर्दे लगाए गए हैं यहाँ पर, सो दैट वो भी एक जो व्यू है, या तो कपल का हो या तो जो गेस्ट आ रहे हैं उनके हो या डेकोरेशंस के हैं, वो सब कवर करने के लिए. बिल्कुल अनिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप लगातार बनी हुई हैं और तमाम जानकारियां दर्शकों तक और हम सब तक पहुंचा रही हैं. एक एक अपडेट गुड न्यूज टुडे पर आप देख सकते हैं. चलिए तो बात कुछ और खबरों की हम कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. आज दिन खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम का उद्घाटन करने वाले हैं. दोपहर 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे. इसके लिए अंबेडकर जयंती का दिन, यानी कि आज का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में एक बड़ा योगदान रहा है और प्रधानमंत्रियों ने संविधान का पालन करते हुए देश का विकास किया है. आज देश को मिलने जा रहा है प्रधानमंत्री म्यूजियम, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं. ये म्यूजियम देश के प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदानों के जरिए आजादी के बाद के भारत की कहानी बयां करता है. आजादी के बाद देश के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने की कोशिश है ये म्यूजियम, चाहे पीएम की विचारधारा जो भी रही हो. प्रधानमंत्रियों का योगदान हो और उस ऐतिहासिक योगदान को किस प्रकार हम एक तरीके से अपनी याददाश्त में रख सकें, तो ये संग्रहालय उस उद्देश्य से सोचा गया और बनाया गया. दिल्ली के 3 मूर्ति स्टेट में मौजूद म्यूजियम में अब तक के सभी 14 भारतीय प्रधानमंत्रियों की गाथा दिखाई जाएगी. लेकिन देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा कलेक्शन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में ही रहेगा. बाकी के प्रधानमंत्रियों के योगदान को दूसरे भवन में समेटा गया है. इस म्यूजियम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नेतृत्व और दूरदृष्टि प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि सभी प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचाना भी है. अब संग्रहालय का जो नया स्वरूप है, जिसमें दोनों भवन और सभी चीज़ें रहेंगी, उसमें एक प्रजातांत्रिक किरण किस तरीके से लगातार निकलती रहे और देश को उसका लाभ मिले, संदेश का, ऐसा प्रयास होगा. संग्रहालय भवन का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है, जिसे इस देश के नेताओं के हाथों से आकार प्रदान किया गया है. म्यूजियम के डिजाइन में टिकाऊपन और ऊर्जा संरक्षण का खास ध्यान रखा गया है. एक पेड़ तक नहीं काटा गया है. ये म्यूजियम 2 ब्लॉक में बटा है. इसमें कुल 43 गैलरी हैं,
इसका क्षेत्रफल 15,600 वर्ग मीटर से ज्यादा है। इसे 271 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस म्यूजियम को बनाने के लिए 2018 में मंजूरी दी गई थी। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की गैलरी को उनके कार्यकाल के अनुसार उचित स्थान आवंटित किया गया है और संग्रहालय के लिए सामग्री प्रसार भारती, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया घरानों जैसे संस्थानों के संसाधनों लाइब्रेरी के माध्यम से इकट्ठा की गई है। पीएम म्यूजियम ये बताने के लिए काफी होगा कि आजादी के बाद से हमारे प्रधानमंत्रियों ने कैसे अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हुए देश को दिशा दी और चौतरफा विकास को सुनिश्चित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज स्टे। बुलेट ट्रेन यानी भारत के सपनों की ट्रेन, और इस सपने को पूरा करने के लिए दिन और रात लगातार काम किया जा रहा है। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलनी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम भी बुलेट की रफ्तार से किया जा रहा है। देखिए, अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी बुलेट ट्रेन हवा से बातें करती दिखेगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन फासलों को मिटा देगी और घंटों का सफर चंद मिनटों में बदल जाएगा। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत में बुलेट ट्रेन का एक सपना है, जिसे पूरा करने के लिए काम भी हाई स्पीड से ही हो रहा है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सूरत का हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का स्टेशन इस वक्त बन रहा है। हालांकि इसको बनने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन काम यहां पर आप देख सकते हैं शुरू हो चुका है। और सूरत स्टेशन से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, पास में यहां पर मेट्रो भी होगी। और जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो भारत सरकार बना रही है अहमदाबाद से मुंबई तक कनेक्ट करने का, उसका ये काम हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब जमीन पर तेजी के साथ उतरने लगा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी तेज रफ्तार के साथ इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में दिन और रात लगी हुई है। अभी जो हमारी प्रोग्रेस है, अगर आप पूछें तो गुजरात में 332 किलोमीटर की लंबाई है गुजरात में, उसमें 130 किलोमीटर पर एक्चुअल काम हो रहा है जी। आप जाएंगे तो वहाँ काम होते नजर आएगा बिल्कुल। और ये हर महीने जो है करीब 20 किलोमीटर बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हर महीने हम 20 किलोमीटर करीब पाइल्स करते हैं, तो हर महीने 20 किलोमीटर की फिगर बढ़ती जा रही है, तो अगले महीने ये 150 हो जाएगी। जाहिर है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट आम से लेकर खास लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। ऐसे में दिन और रात बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने के लिए काम जारी है और देश के भविष्य को आने वाले वक्त में बुलेट ट्रेन की रफ्तार मिलने वाली है। अब तो प्रोजेक्ट फुल स्विंग पर है। डेडलाइन अभी जो हमने सारा इवेल्युएशन किया, पेंडेमिक इफेक्ट एंड ऑल दैट व्हाटएवर इज हैपेंड, तो गुजरात पोर्शन के लिए जो हमारा डिस्कशन हुआ उसके ये निकल के आता, हमारे रेल मंत्री जी ने भी आप लोगों को बताया था कि 2027 शुड बी अवर टारगेट। बुलेट ट्रेन महज दो घंटे में मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का फासला तय करेगी। इस दौरान बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गुजरात के जो 8 स्टेशन्स हैं उनमें से सूरत एक महत्वपूर्ण स्टेशन होगा, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के जो 4 स्टेशन्स हैं वहाँ पर अभी किसी तरीके का जो काम है वो शुरू होता नहीं दिख रहा है। लैंड एक्विजिशन में अभी भी चीज़ें अटकी हुई हैं, लेकिन सूरत से जो शुरुआत हो सकती है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की, वो गुजरात के कई रूट्स में आपको चलती दिखाई दे सकती है आने वाले सालों में। मिलन शर्मा, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग यानी बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर अब सामने आ गई है। अमरनाथ यात्रा वैसे तो 30 जून से शुरू होगी, लेकिन आज आप घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त तक चलने जा रही है। श्रद्धालु 43 दिन तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का काम जो है 11 अप्रैल से ही शुरू हो जाए।
अमरनाथ गुफा से आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर। 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालु 43 दिन तक बाबा बर्फानी के कर पाएंगे दर्शन। भक्तों पर कृपा बरसाने आ गए बाबा बर्फानी। जिसका पूरे देश को इंतजार रहता है वो तस्वीर सामने आ गई है। जी हाँ, बाबा बर्फानी के पावन दर्शन के लिए शिव भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है। अमरनाथ गुफा में इस बार बाबा बर्फानी अपने रूप में आ चुके हैं। तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि बाबा बर्फानी इस बार पूर्ण रूप में अवतरित हुए हैं। मान्यता के अनुसार हर साल सर्दियों में बाबा बर्फानी बंद गुफा में प्रकट होते हैं, जिनके दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पहली बार अमरनाथ गुफा में हर साल बनने वाली शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आई है। शिवलिंग ने आकार लिया है जो हर साल सर्दियों के दौरान लेती है और देश भर में भक्तों को शिवलिंग के इस पहले दर्शन का इंतजार होता है। अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से बंद रहने के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी, जिसका समापन 11 अगस्त को होगा। इस साल 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद जताई गई है। कहा जाता है कि इसी हिम शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य को 23 पवित्र तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सदियों से बाबा बर्फानी के दर पर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता रहा है, इसलिए तैयारियां जोरों पर हैं और भक्त भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ यात्रा के शुभारंभ का और उस पल का जब भगवान अमरनाथ के दर्शन किए जा सकेंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर सियासत काफ़ी गर्माई हुई है और ऐसे में जब नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है तो ये हर तरफ इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, आज बैसाखी का पर्व है। बैसाखी पंजाब का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। आज के दिन सिख धर्म के लोगों के लिए नए वर्ष की शुरुआत होती है। फसलें कटनी शुरू हो जाती हैं और ढोल नगाड़े गिद्दे भंगड़े के साथ लोग खुशी मनाते हैं। गुरुआं ते पीरां दी ऐ हो धरती, योधियां फकीरां दी ऐ हो धरती, सूरमे भगत सिंह उदम जहे खट
और आइए अब आपको दिखाते हैं बेहद रोचक तस्वीर। बर्लिन चिड़ियाघर में रहने वाले दुनिया के सबसे पुराने गोरिल्ला का 65वां जन्मदिन मनाया गया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने गोरिल्ला के जन्मदिन के लिए बेहद खास इंतजाम किए थे। उबले हुए चावल, दही, हरी सब्जियां और ब्लूबेरी से बने केक को काटकर जश्न मनाया गया है। इसके बाद सबसे उम्र दराज इस गोरिल्ला को लोगों ने शुभकामनाएं भी दी है। देखिए बात यूपी की करेंगे, जहां पर इस वक्त बाबा का बुलडोजर बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए अब मुहिम जारी की गई है। इसके तहत एक खास एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए सूबे की राजधानी को क्राइम फ्री बनाने की मुहिम है। देखिए योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी तो ऐलान कर दिया था कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी 2.0 में भी अपराधियों को बख्शने के मूड में ना तो योगी आदित्यनाथ हैं और ना ही उनकी पुलिस दिख रही है। एक तरफ बाबा का बुलडोजर अपराधियों के अवैध मंसूबों को ध्वस्त कर रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस को हाईटेक बनाने का काम भी पुरजोर तरीके से जारी है। राजधानी लखनऊ में अपराध पर लगाम कसने और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए पुलिस ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से एक क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप का उद्देश्य है कि इस अपराध मानचित्र पर समस्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत घटित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का विवरण दर्ज किया जाना है। जाहिर है लखनऊ देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए लखनऊ पुलिस के लिए ये खास क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप लॉन्च की गई है। इस एप्लीकेशन में लखनऊ कमिश्नरेट के सभी 5 जोन में हुए हर अपराध का ब्यौरा इस एप्लीकेशन में दर्ज किया जाएगा। साथ ही क्राइम करने वाले अपराधियों के बारे में जानकारी होगी। इसमें ये भी जानकारी दर्ज होगी कहां पर किस तरह के अपराध हो रहे हैं, अपराध और अपराधी की प्रकृति और प्रवृत्ति क्या है। इस ऐप के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट के सभी 5 जोनों में कितने अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, उन अपराधों का सारांश क्या है, वे अपराध कितने प्रकार के हैं, उन अपराधों में संलिप्त अपराधी किस श्रेणी के अपराध कारित करते हैं, इत्यादि प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही